लाइंस मेरे प्यारे प्यारे वेल विशर्स एंड खूबसूरत सी ख्वातीन और बच्चों के लिए था। जी हाँ, बिल्कुल आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन मैं काफी दिनों से गायब थी तो मैंने कहा चलें जी आज थोड़ी सी लाइंस आपको सुनाई जाएं एक अच्छे से सॉन्ग की, क्योंकि मुझे आज के लिए सॉन्ग बहुत पसंद है। ये जी फातिमा साहिबा की तैयारी, ये हमारी छोटी सी क्वीन है और अल्लाह ताला इसके नसीब और किस्मत अच्छी करें, इसके मुकद्दर अच्छे करें और आप भी इसके लिए बहुत सारी दुआ किया करें। ये जी ये इसकी चांद रात की तैयारी थी और मेहंदी शेहंदी लगवा रही थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना के सेव करके रख ली थी। मैंने कहा जब मैंने व्लॉग बनाऊंगी तो ऑब्वियसली आपकी इसकी आपके साथ इसकी प्यारी सी लुक शेयर करूंगी। सो बच्चों की ईद तो ऑब्वियसली निराली होती है कि हम भी बचपन में बहुत इंजॉय करते थे अपनी ईद, चांद रात को एक एक चीज संभाल के रखनी और बस बहुत इंजॉय करना। और ये जी ईदी मुझे मिली और सब घर वालों से जो है मिली और ये खूबसूरत सा जो है ना जो केस था, केस इन द सेंस के जो खूबसूरत सा कवर था जिसके अंदर ये आई, ये जो है कवर, ये जी इसके ऊपर महरीन नाम लिखा हुआ है और ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की और बहुत ही खूबसूरत ये मैं अब संभाल के रखूंगी, पैसे तो निकाल के इसमें से खर्च कर लूंगी ऑब्वियसली, लेकिन जो इसका कवर है जो खूबसूरत सा इसके ऊपर नाम मेरा मेंशन हुआ हुआ है तो इसको मैं अपने पास रखूंगी ऑलवेज ऑलवेज। ये जी महरीन नाम लिखा हुआ है इस पे और ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा होगा। और जी आप बताएं आपको कितनी ईद इकट्ठी हुई। खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां और कामयाबियां आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हो, आमीन सुमामीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ये जी ईद के सेकंड डे हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए और एक जी बुफे हमने किया और
फ्राइडेज पे, और इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रिव्यू कोई इतना खास तो नहीं है, बस मैं ये समझती हूँ कि एमएम आलम रोड का जो है वो एज ले रहे हैं, लेकिन उनके जो शेफ हैं बस 50-50 था, मतलब 50 भी मैं बहुत ज्यादा दे रही हूँ, तो मेरी तरफ से तो अ बिग नो, लेकिन फिर भी जो भी है हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो इकट्ठे होके हम रास्ते में गए वो मजा आया, इंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और आज जो है बहुत ही मजेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर होने वाली है, जरूर मेरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी कि डू गुड एंड हैव गुड। अगर आपकी जुबान में किसी के लिए अच्छाई और प्यार के मीठे बोल नहीं आते तो एटलीस्ट अपनी जुबान को जिप लगा लें, आप किसी की दिल आजारी ना करें, आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, दिस इज मेन पॉइंट। आज क्या रेसिपी है, आप ये रेसिपी मेरी ट्राई कीजिएगा और अपने दस्तरखान को लगाइएगा चार चांद, और जब आप चार चांद लगाएंगे इस रेसिपी से आपको मिलेगी वाह वाह की दाद, और वाह वाह में थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी रखिएगा, क्योंकि ये हिस्सा जो है मुझे आपके आपसे चाहिए दुआओं की सूरत में, कि मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां दें, और जो मेरे हेटर्स हैं जो मुझे हमें खाम खामे तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मुंह जो है ना बंद हो जाए, वो दफा हो जाए मेरी लाइफ से, ठीक है जी। और मेरे वेलविशर्स के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, आप में जो वेलविशर्स हैं आप लोगों को मुझे प्यार चाहिए इतना सारा चाहिए। आपको पता है ये स्टाइल किसका है, और मैं पिक्चर भी नीचे लगाती हूँ शाहरुख खान का, और वो मेरे फेवरेट हैं, और ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, और मैं शायद मैं इतनी सी होंगी या इतनी सी, और मुझे ना इतने शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फैन थी, और बस जहां भी कहीं मुझे पता चलता था कि शाहरुख खान की एड चल रही है वहां से मैं भागती भी जाती थी देखने, और बस तो मुझे उन्हीं का ये स्टाइल अच्छा लगता है, तो मैंने कहा इस स्टाइल में जी आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए, अपना प्यार शो कीजिए, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स करवाइए ज्यादा से ज्यादा। और अब जो है गिव अवे जाने वाला है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि किसको जाने वाला है गिव अवे, और होपफुली वो बहुत ही खूबसूरत खातून है, और इंशाल्लाह वो खुश हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल किया और बहुत अच्छा प्रॉमिस निभाया है, निभा रही हैं, तो उन्होंने अभी कहा है कि कुछ ही दिनों में आपको जो है प्रूफ के साथ मैं आपको सारे वो भेज दूंगी, मतलब उनके तरफ से थाउजेंड्स सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं मुझे, 1000 भी इंशाल्लाह मिलेंगे, 1000 सब्सक्राइबर वो करवा रही हैं, और उन्होंने कहा है कि जी मैं आपको प्रूफ भी दूंगी, तो मैंने कहा चले जी बस ठीक है, और जब आप मुझे प्रूफ देंगी तो ये गिव अवे आपका हो जाएगा, ठीक है जी। और अपनी दुआओं में मुझे खास खास शामिल रखिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, सो स्टे विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यू या कय्यूम, वेलकम इताडा महरीन द किचन। अज जी मैं बहुत ही मजेदार ते स्वीट वधिया जी डिश लेके आई हूं, ऐ जी कोई हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि कोई बच्चा भी बना सकता है जी, इतनी इजी एंड क्विक है, लेकिन मोस्टली जेडे रेसिपी है तरीका है रमजान दे शुरू इच काफी लोगों ने शेयर किया, लेकिन ए जी बड़ी पेंडिंग चल रही सी मेरी रेसिपी, मैं क्या चलो जी असी रमजान दे शुरू इच ते नहीं आए, चलो असी ए ईद दी टेबल्स जावांगे। ए जी तुसी देख लो किन्नियां चीजां चाहीदियां ने, चॉकलेट तुहानू चाहीदी है कैडबरी दी, वाइट चॉकलेट, काजू ते खजूरां, तो ईरानी खजूर मैं ले सी बहुत ही मज़ेदार, सीरियसली लाइक इट्स लाइक अजवा खजूर, बहुत ही मज़ेदार सी। ए जी कुछ पीनट्स लेने मैं उदे थोड़े जे उन्होंने क्रश किया ताकि उन्होंने गार्निश करिए तो खूबसूरत जी लुक आए, तो मैं जी चंगी तरह यह जड़ी खजूर है इन वॉश किया चंगी तरह, तो यदी गुठलियां जड़िया ने कड लीतियां ने, तुसी भी जितना भी तुसी एदे विच मेजरमेंट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तुसी अपने अपने हिसाब नाल जितनी 10 बनानियां ने 20 बनानियां ने 30 बनानियां ने तुसी अपने हिसाब नाल बनांदे जाओ जी। ऐ जी मैं तकरीबन 10-15 खजूरां लईयां ने, बाकी पैकेट नाल ही रख दिता मैं, कि बस जिहड़ा जिहड़ा खाएगा तो फिर नाल नाल ही बनांदे जांगे। तो ऐ जी काजू मैं खजूर दे सेंटर विच सैट कर दिता है क्योंकि मैं खजूरां वॉश कीतियां थे उन्हां नूं गुठली कट दी सेंटर चो
थोड़ा जहा कट ला के ते गुठलियां कड़ियां ते फिर काजू रख दिते। ए जी मैं बटर पेपर एक प्लेट च रखिया उन्हों अपने हाथ नाल ही सारदा मैं ग्रीस कर दिता है। ए जी ग्रीस हो गया ते ए क्यों किता है? ए इसलिए किता है कि जो असी चॉकलेट लावांगे ते फिर उहदे च जिहड़ा है थोड़ा जहा ग्रीसी पेपर होएगा तुसी फ्रीजर च रखोगे ते वह चंगा हो जाएगा। जी मैं 3 बार्स लिया ने चॉकलेट्स की, थोड़ी जी क्रीम ली है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून बटर लिया है। हुण जी इनू तुसी ओवन च गर्म कर लो या फिर तुसी बॉयलर च पानी थोड़ा जहा बॉयल करो तो उहदे विच ए जिहड़ा ना शीशे का ग्लास का बना हुआ बाउल रखो तो इहदे विच ए कोली रख दो तुसी जिहड़ी चॉकलेट ते बाकी चीज़ां नाल भरी सी ते फिर वह जिहड़ा आपे ही जिहड़ा ना डिजोल्व हो जाएगा सारा इस तरह का एक पेस्ट बन जाएगा। तो फिर जी तुसी जिहड़ी खजूर ते खजूर दे विच काजू सैट करके रखे वह इस तरह से डिप करी जाओ तुसी ते नाल ही तुसी रखते जाओ प्लेट च जिहड़ी तुसी बटर पेपर नू ग्रीस करके रखिया होया। तो हुण जी वारी वारी मैं सारी खजूरां नू चॉकलेट जिहड़ी सॉस मैं बनाई है उहदे विच डिप कर रही हाँ ते नाल ही मैं उहनू बटर पेपर के उत्ते रखी जा रही हाँ जिन्हों मैं ग्रीस किया बटर नाल। हुण जी तुसी इनू 1 घंटे वास्ते फ्रीजर रख देना जदों सारे चॉकलेट कोडिंग हो जाएगी 1 घंटे वास्ते तुसी रख दो। ठीक है जी 1 घंटे वास्ते तो चंगी जिहड़ी चॉकलेट है प्रॉपर उही चॉकलेट बन जाएगी जिहड़ी तुसी चॉकलेट हार्ड खाते हो। ठीक है जी ए सारी चॉकलेट जितनी मैनू चाहिए सी मैं बना ली है उन्होंने रख दिता मैं फ्रीजर तो फिर जी मैं उन्होंने 1 घंटे कढ़िया तो फिर इस तरह का मैं डिश आउट किया। डिश मैं मंगाई सी खास तौर पर ईद दा करके तो नेस्ले क्रीम जी है बहुत ही मज़ेदार लगती है तुसी इहदे उत्ते भी गार्निश कर सकते हो तो मैं जी पीनट्स से क्रीम नाल इनू गार्निश किया तो ईद मुबारक का यह खास तोहफा तुसी अपनी टेबल नू सजा सकते हो 4 चांद ला सकते हो तो अपने प्यारों तो वाह वाह लै सकते। जी तो ये जी हम खाने के लिए जा रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि हम एक जो है रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी खाने का और रिव्यू तो बस सो है लेकिन गाड़ी में इंजॉय किया और गाना मैं सुन रही थी अली जफर का न्यू सॉन्ग ईद पे आया है बालो बतियां जो कि अताउल्ला ईसा खेलवी जो पहले सिंगर हैं उनका ये सॉन्ग है ओल्ड इज गोल्ड वाली बात हो गई है तो मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसमें जो है उस सॉन्ग को इन्जॉय करी थी गाड़ी में लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड की मैंने कहा चलें गाना चलता रहे आप लोग भी सुने इन्जॉय करें लेकिन क्या हुआ कि वीडियो पे आ गया जी कॉपीराइट और मुझे वीडियो जो है डिलीट करके दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ी और टाइम लग गया। तो होपफुली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि मुझे जो है हालांकि मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती हूँ कि मैंने कहा चलें कोई बात नहीं जी ईद का मौका है और अली जफर का सॉन्ग हर तरफ सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लोग तो चलें यहाँ पे भी इन्जॉय करें। जी तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी फ्राइडेज एक रेस्टोरेंट है एम एम आलम रोड पे लाहौर में और ये जी इसका मैंने थोड़ा सा रिव्यू आपको देना था तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ग्लिम्स भी शेयर करते हैं। अभी आपने इन्जॉय किया मेरा वो सफ़र जो मैं भाई और अम्मी और बहनों के साथ रेस्टोरेंट आई और मैंने इन्जॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो फैमिली साथ थी तो हमने इन्जॉय किया और ईद का ये बफे जो है वो इन्जॉय किया इन्जॉय इन द सेंस कि हम सब इकट्ठे थे इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी और अल्लाह ताला हमको हम सबको खुशियों के साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खुश रहना नसीब फरमाए आमीन सुमामीन। और जितने मेरे प्यारे वेल विशर्स मुझे देख रहे हैं आपको भी अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियां दें। और ये जी फाइनली ये हमारी टेबल सिलेक्ट हुई और जो है मेरा शवाल का रोज़ा था और रोज़े जैसे कि रख रही जी तो आपको मैं एक राउंड करा देती हूँ कि क्या क्या था यहाँ पे चीज़ें तो काफ़ी थीं लेकिन इन सारी चीज़ों में से कोई सिर्फ सैंडविच जो थे और एक छोटा सा मिनी बर्गर था और सैंडविच उसमें टेस्ट था और एक जो है वो मैंने सूप का कप बनाया अपने लिए बस वो मैंने जैसे भी आप मुझे खाता देखेंगे आप कहेंगे हैं खाती जा रही है लेकिन कह रही है कि इतना अच्छा नहीं था लेकिन सीरियस बता रही हूँ कि इतना अच्छा वाकई नहीं था लेकिन सैंडविचेस अच्छे थे बस इतनी मैंने प्लेट भर ली थी
क्योंकि मेरा था जी रोजा और अफ्तारी थी, और जब भी मैं खाना खाती हूँ पता नहीं ये अच्छाई है या बुराई है कि मैं अपनी प्लेट ऐसे भर लेती हूँ कि जैसे पता नहीं ये 2 से 3 लोगों ने खाना खाना है, लेकिन मैं फिर खाती उतना ही हूँ जितना मेरा दिल करता है। लेकिन ऐसे वाकई वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम जबरदस्ती खा जाती हूँ, और फिर उस खाने का नतीजा ये है कि आजकल मेरा वेट बढ़ गया है। लेकिन मैं इसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ और इसमें कामयाब भी हो रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये जी दही बल्ले थे, और क्या कहते हैं सूप था, हॉट एंड सॉर सूप, और ये जी सैलड्स थे कुछ। बस मैं कुछ सब जो मेरी फैमिली बहनें हैं उन सबको थोड़ा सा हेल्प भी कर रही थी कि अच्छा मैं ये डाल के ला देती हूँ, जबकि मेरा तो रोज़ा है, वो तो अभी टाइम है खुलने में, आधा पौना घंटा था, तो वो मैं सबको थोड़ा थोड़ा अगर किसी को चाहिए होता था तो मैं ला देती थी, अदरवाइज वो सबने खुद लिया अपनी मर्जी से जो उनको चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है फिश, प्रॉन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। ये जी मेरी अपनी डिश थी यार, पीना कोलाडा, पीना कोलाडा, और जी फ्राइज थे, और मैंने क्या, ये जी मिनी बर्गर आपको नजर आ रहा है, और बस मैंने अजीब अजीब चीजें उठाई। ये दही दही फुल्की है, और ये सूप है, और हाय बोलो, हाय जी। तो यहाँ पे फातिमा जी खूब इंजॉय करी है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, और मैं जो हूँ अब रोज़ा अफ्तार करने लगी हूँ, और बस मैंने सोचा कि अफ्तारी से पहले दुआ पढ़ ली जाए, क्योंकि मैंने शवाल के रोज़े रखे थे ईद के सेकंड डे से, और अल्लाह ताला मेरे रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि शवाल के रोज़ों का ये कहते हैं कि फ़ायदा होता है कि वो आप ना मतलब पूरे साल के रोज़ों में कंसीडर होता है, तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, इबादतों को कबूल फरमाए। और हमारी टेबल जो कि एक साइड पे थी, तो इतना ज़्यादा लोगों का आना जाना रश नहीं था, तो इसलिए मैं आराम से चिल हो के, जैसे मैं आराम से घर में टीवी लाउंज में डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही हूँ, तो मैं बहुत रिलैक्स होके अपनी वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ खाना भी खा रही थी। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये तो हर चीज़ खाई जा रही है, फिर भी इसने कहा कि 50-50, बल्कि 50 भी कम। तो ऑब्वियसली मेरा रोज़ा था, तो मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ थोड़ा सा मिल जाए कि मैं खा लूँ, और थोड़ा सा मुझे ना उस वक्त भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी। तो ये सैंडविच अच्छे थे जो मैं अभी खा रही हूँ, और उसके बाद फ्राइज थे, इसके ऊपर आई थिंक हल्का सा बेसन की कोटिंग थी, वो अच्छा था बस। और उसके बाद ये सूप भी ठीक था, और बस यही था कि मैं थोड़ा थोड़ा लेके कवर कर रही थी कि मेरी भूख जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, माशाल्लाह सब खा रहे थे, तो मैं कह रही थी कि मेरा रोज़ा इफ्तार हो तो मैं खाऊँ ना। तो फिर खैर बस यही जो अभी आपके सामने है बस वही खाया, बाकी जो मैं लेके आई हूँ फिश थी और ये वो मैंने खाए नहीं, इवन फ्राइड राइस थे वो भी मैंने नहीं खाए, और बाकी सारा इन्होंने प्रॉन्स और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन मैंने सैंडविच और ये मिनी बर्गर भी, इनका जो पैटी थी चिकन वो इतनी खास नहीं थी, बट फिर भी मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, चलें, कुछ ना होने से ये थोड़ा सा बेहतर है कि मैं पेट पूजा कर लूँ। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। लेकिन वैसे रिव्यू मैं ये दे रही हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आप आई थिंक जहाँ का खाना जो है ना वो 10/10 हो तो फिर डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनका एनवायरमेंट और जो जिस एरिया में है तो वो ज़रा हाई फाई और लग्जोरियस है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि इनको बस अपने शेफ भी चेंज करने चाहिए। सो खैर अल्लाह का शुक्र है मैंने इन्जॉय किया कि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं बाहर आई हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। ये देखें खाना वैसे का वैसे पड़ा है, मैंने बस खाया नहीं है, और ये डेजर्ट भी इतना ज़्यादा ले आई थी सिस्टर, तो ये भी मैंने बस थोड़ा थोड़ा चखा, ये भी बस मैंने टेस्ट किया। लेकिन ये है कि इसमें से भी कोई एक पुडिंग अच्छी थी, बाकी ये देखें ये मेरे एक्सप्रेशंस हैं, मुझे शायद पसंद नहीं आ रहा था, फिर बस मैं थोड़ा थोड़ा वन वन स्पून चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा है वो मैं खा लूं, तो इसलिए जो अच्छा लगा फिर उस पर मैंने थम्स अप भी किया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अब मैं खाना खा चुकी हुई थी और अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलें जी टाटा बाय बाय करते हैं सबको, और आपको थोड़ा सा ये विजिट भी करा दिया, और ये फातिमा जो है ये भी फाइनली खा चुकी थी इस, ये तो मतलब इसके लिए अलग से हमने फ्राइज ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि इसमें से कोई चीज़ वो नहीं खाती, तो इसलिए उसके लिए अलग से फ्राइज ऑर्डर किया।
और ये जी ईदी बच्चों में बांटी हमने अलखुशी फाउंडेशन की तरफ से चॉकलेट मंगाई और उसमें मैंने सबको 100 100 रुपीज बच्चों को लगा के दिए और बच्चे बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि मैं सीरियसली ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलें कुछ अच्छा लगे बच्चों को, बच्चे भी खुश हों। फातिमा भी बहुत खुश हो रही थी कि मुझे भी इस तरह का वो बना के दें। फिर जो उसके लिए स्पेशली हमने घर में चॉकलेट्स मंगवा के रखी होती हैं तो मैंने उसकी चॉकलेट उठाई क्योंकि ये सब बच्चों की थी तो इसलिए मैंने इसमें से नहीं ली, मैंने अलग से उसकी जो चॉकलेट थी वो उठाई और अलग से ही उसकी अमाउंट उठाई अपने अपनी यानी कि सिस्टर के पर्स में से। मैंने कहा कि 100 रुपीज का नोट दो दिया सिस्टर ने और फिर मैंने एक अच्छा सा इस तरह से गिफ्ट पैक बना के फातिमा को भी गिफ्ट कर दिया। और बाकी जो ये बन रहे थे गिफ्ट्स ईदी, ये बच्चों के लिए अलग से थी, वो मैंने बना के बांट दी। और वही वाली बात है कि बच्चे जो चीज देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें भी चाहिए, तो फिर फातिमा के लिए अलग से मैंने उसी की चॉकलेट्स उठाई और उसी के ही पैसे उठाए और उसी को पैक करके दे दिए। जो फाउंडेशन के लिए थे वो अलग से मैंने रखे हुए थे और वो बॉदर भी नहीं करती कि जी मुझे इसमें से चाहिए, वो कहती कि ठीक है मेरी चॉकलेट मुझे मिल गई है तो इट्स ओके, मैं हैप्पी हूँ। सो यहाँ पे जी हम बच्चों में बांटने जा रहे हैं और वो शुमाइला है ना उसके बच्चों को देना, वो भी साथ साथ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए ईदी का इंतजाम किया मैंने। तेरा खोलना दरवाजा, चलो 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 जी। तो यहाँ पे बच्चे सब आ चुके थे और बहुत ही जोश व खरोश से उनकी तैयारी नजर आ रही है ईद के हवाले से। देखें सब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे से तैयार होके आए हुए थे। ईद थी, सेलिब्रेशन उनकी थी और फिर साथ में ईदी मिल जाए तो क्या बात है। सो आप भी अलखुशी फाउंडेशन का साथ दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ये बच्चों की फेवरेट चॉकलेट है और मैंने कहा आज ईद है तो सबको चॉकलेट और ईदी देते हैं, ठीक है? तो सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक, जोर से कहो ईद मुबारक। चलो जी वेरी गुड। फातिमा आ जाओ, एक एक करके दो, इधर आओ ना, इधर इधर सामने आओ आप, यहाँ इधर आराम से इधर। चलो अब दो, जी। तो बच्चे ईदी लेके बहुत खुश थे कि चॉकलेट और साथ ईदी मिली, सब बहुत खुश थे। तो ये जी ये बच्ची है, इसकी बहन भी आती होती है तो इसको मैंने अलग से इसकी बहन का हिस्सा भी दिया क्योंकि वो नहीं आई थी। और सब बच्चे ईद के हवाले से तैयार हुए हुए थे और सब प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को खुश रखें और मुझे और ज़्यादा तौफीक दें क्योंकि वही वाली बात है कि जब हम अल्लाह ताला की राह पे खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होते हैं बेशक। तो अल्लाह ताला जब अपने मखलूक की दुआएं कबूल करते हैं और उनकी सुनते हैं और उनके बिगड़े काम समझ जाते हैं तो अल्लाह ताला अपने इंसानों को यानी कि जो अपनी मखलूक है उसको देख के कितना खुश होते होंगे। तो हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ताला हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इंसान अशरफुल मखलूकात और अल्लाह ताला के सबसे प्यारे और करीबी मखलूक है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दें, आमीन सुम आमीन। आप इंस्टाग्राम पे अलखुशी फाउंडेशन के पेज को फॉलो कर सकते हैं और दुआओं में शामिल रखें। वेलकम टू अनदर सेगमेंट माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी। आपके साथ मैं क्लोजअप शेयर कर रही हूँ जबकि मैंने आगे वीडियो में आपको खुद दिखाए भी हैं लेकिन क्लोजअप पहले शो कर रही हूँ जबकि मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं आपको क्लोजअप्स दिखाऊंगी तो मैंने सोचा कि क्लोजअप्स क्यों ना पहले दिखा दिए जाएं। ये जी खूबसूरत सा ब्लश है और पिलो टॉक इसकी जो है प्रोडक्ट नेम है
और जो ये कंपनी नेम है जो इसको रन कर रही हैं, उन्होंने अपने नाम पे ये प्रोडक्ट जो है वो सारी प्रोड्यूसर वो ही हैं, मतलब उन्होंने ही अपने नाम से ये प्रोडक्ट लॉन्च की हैं। शॉर्लेट टेलबरी के नाम से इनका ब्रांड है, और आई थिंक अभी भी सही शायद प्रोनाउंसिएशन में नहीं ले रही, क्योंकि इनके नाम ऐसे इतने अजीब से होते हैं कि क्या कहे बंदा। लेकिन खैर, ये मुझे जी बहुत अच्छा से गिफ्ट मिला, और ईद के ये जी गिफ्ट हैं, और ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया ब्रीजे का, जो है बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है, और शॉकिंग पिंक एंड प्लस इसमें वो रेडिश टोन है ब्रीजे का। दिस इज अमेजिंग एंड सुपर से ऊपर परफेक्ट, मुझे बहुत पसंद आया, और खुशा है और चूड़ियां। वेलकम टू माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी। आज जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी बहुत ही मजेदार सी, क्या बहुत ही खूबसूरत सी चीजें जो कि मुझे ईदी मिली। ईदी कितनी इकट्ठी हुई मेरे पास, ईदी बस मेरे पास कुल मिला के सब घर वालों से इकट्ठी हुई 20,000 रुपए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत है। अल्लाह ताला मेरे वालदैन को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, और हमें बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां दें, और हर बुरी और बद नजरों और बुरे लोगों के शर से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। एक ये जी मुझे ईदी मिली, मेरा जी ये पिलो टॉक चीक टू चीक, दिस इज माय फेवरेट 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 ब्रांड। आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ना नजर नहीं आ रहा, तो रोशनी होती है ना तो पता नहीं चलता। ये जी शॉर्लेट टेलबरी है इनका नाम, जो है ना मुझे हमेशा थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है बोलने में, लेकिन मैं फिर भी मेंशन कर दूंगी क्योंकि ये ना इनका नाम बड़ा अजीब सा है। ये जी पिलो टॉक, ये यानी कि इस प्रोडक्ट का नाम है पिलो टॉक चीक चीक। ये जी आपको नजर आ रहा है, नजर नजर ये क्या है, ये जी खूबसूरत सा ब्लश है। ला 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 ला। मैं आपको ना इसका क्लोजअप दिखाऊंगी, आप शायद शायद समझ ना आ रहा हो आपको। शॉर्लेट टेलगरी ऐसे ही है शायद नाम इसका, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है जी। और इसके अलावा मुझे क्या मिला, मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया ब्रीजे का खूबसूरत सा दुपट्टा, और आई वॉज रियली सरप्राइज कि मुझे इस तरह की चीजें बहुत पसंद हैं, और मुझे वो गिफ्ट मिली, मैं आपको शो करती हूँ। इसका जी मैं क्लोजअप भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी यहां से भी दिखाती हूँ। ये जी इसके ऊपर साड़ी की कढ़ाई की हुई है, इसको मैं अभी जो है इसको ओपन नहीं करूंगी, ऐसे ही दिखाऊंगी आपको क्लोजअप। जब इसके साथ मैं कुछ बना लूंगी तो फिर आपको मैं इसका क्लोजअप दिखाऊंगी, अभी जो है बस इतना ही। और जी ये मुझे जी प्यारे से खुद से मिले, जी तो होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए ही थोड़ी सी एफर्ट्स होती हैं, और अब मुझे आप इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में बहुत सारा मुझे शामिल रखिए, आपकी दुआओं की अप्रिसिएशन की मुझे जरूरत है, और प्लीज तो अल्लाह ताला हम सबके लिए अच्छा करें, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी को पसंद करती हूँ, और हमेशा मैं यही चाहूंगी कि पॉजिटिव लोग मेरे साथ जुड़ते जाएं, और अल्लाह ताला जो है मुझे हर बुरी और बद नजरों से बचा के रखें, और मेरे लिए कामयाबियों के खुशियों के रास्ते खोल दें। जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि मेरे चैनल को आपने मिलियंस में लेके जाना है। ठीक है जी, मिलियंस सब्सक्राइबर्स करवाने हैं आपने, आप लोगों का प्यार अप्रिसिएशन यही होगी बस, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें, एम.आई. फैशन कलेक्शन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगी कि अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखें, खाम खा में लोगों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, उनका ख्याल रखें, उन्हें उनमें प्यार बांटें, खुशियां बांटें, इज्जत बांटें, जो बांटेंगे वो लौट के आएगा। तो इसी दुआ के साथ मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, और बार बार आज मैंने बहुत रिपीट की है ये बात
कि अल्लाह ताला मुझे हर बुरे और बद नजरे लोगों के शर से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी चीजों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ और हैप्पी मूड के साथ इंशाल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।